संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक को हुए आज 75 वर्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से इस महान सभा की कार्यवाही और इसमें शामिल होने वाले प्रख्यात हस्तियों के बारे में जानने का किया आग्रह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में दी हादसे की संपूर्ण जानकारी, कहा जनरल विपिन रावत एक शेड्यूल विजिट पर थे, हादसे की जांच के दिए गए हैं आदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में सीडीएस विपिन रावत सहित सभी दिवंगत लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए दी भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार कल दिल्ली छावनी में किया जाएगा। पार्थिव शरीर आज शाम विमान से पहुंचेंगे राजधानी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक जारी रखने और कैन बैतवा नदी संपर्क परियोजना को दी मंजूरी। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की। अमेरिका सहित ये सभी देश चीन में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर कर रहे हैं पेइचिंग ओलंपिक का बहिष्कार। केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 140 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके करवाए हैं उपलब्ध। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 19 करोड़ 8 लाख से अधिक टीके अभी भी हैं उनके पास शेष। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए टीकाकरण में तेजी लाने को कहा, सभी देशों को अभी से निगरानी परीक्षण और बढ़ानी होगी सीक्वेंसिंग। अब खबरें खेल जगत से। दक्षिण अफ्रीका के साथ क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा, रोहित शर्मा एक दिवसीय टीम के बने कप्तान।